जो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं, और ऐसी कुछ फिल्में होती हैं जिन जिन जिनको जाके लोगों के साथ एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस फिल्म में मैंने जो किरदार निभाया है रावल रतन सिंह का, वो मैंने ये रोल लोगों के लिए ही किया है, बिकॉज इस फिल्म के अंदर जो हिंदुस्तान की डायनेस्टी थी, जो चित्तौड़ की डायनेस्टी थी, माँ रावल रतन सिंह ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में बहुत कम जानते हैं लोग, और मैं चाहता था कि हमारी देश की जनता जो है वो उनके सैक्रिफाइस के बारे में जाने। उनके सामने इतनी बड़ी एक आर्मी थी जो उनसे 10 गुना ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो डटे रहे, उन्होंने कहीं अपना साहस नहीं खोया और उन्होंने अपनी बीवी को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। अब फिल्म रिलीज़ होगी तो मैं बोल सकता हूँ। तो यस, कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। शायद 3 दिन गुजर चुके हैं, अगर हम पेड प्रीव्यू की बात अलग करें, 86 करोड़ कलेक्शन, इज इट सेटिस्फाइंग फॉर यू? इट्स ओवरवेलमिंग। आई थिंक अभी भी कई ऐसे हिस्से हैं देश के, बड़े बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पर ठीक से फिल्म नहीं शुरुआत ले पाई है, और उसके बावजूद स्पेशली पहले 1-2 दिन थे तब लोगों में बहुत डर था, यू नो, काफ़ी लोग थिएटर नहीं जा रहे थे। इसलिए अगर आप देखें जो पहले दिन फिल्म ने जितनी कलेक्शंस की उसके हिसाब से जब दूसरे दिन फिल्म ने पिकअप किया तो इट वेंट अप टू 32 करोड़, विच इज़ अमेजिंग, इट्स अ ह्यूज नंबर। और बस यही मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म सब लोगों तक पहुँच पाए। अब ऑडियंस ये फिल्म देख चुकी है और ऑडियंस का वर्डिक्ट बाहर आ चुका है, जनता का वर्डिक्ट बाहर आ चुका है, सब लोग बाहर आकर ये कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन फिल्म है, और इससे ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन हमारे राजपूत कम्युनिटी के लिए, चित्तौड़ और मेवाड़ की डायनेस्टी के लिए और हिंदुस्तान के लोगों के लिए, इससे ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन शायद मुश्किल है। तो यू नो, जेन्युइनली संजय सर ने महारानी पद्मावती और रावल रतन सिंह, इनको ऑलमोस्ट भगवान की तरह मन में रखकर इस फिल्म को बनाया है और उनको एक श्रद्धांजलि दी है, और हम सब इसमें भागीदार हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग जाके पूरे हिंदुस्तान में ये फिल्म देख पाएँ, और ऑलरेडी इतने कम स्टेट्स में रिलीज़ हुई है फिल्म, फिर भी इतना ज़्यादा बिजनेस कर रही है, दैट गोज़ टू शो कि फिल्म को लोगों का बहुत प्यार मिला है।